अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, मेरा नाम अजय था और मैं मोहम्मद अजरुद्दीन बन चुका हूँ। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तकरीबन 3-4 महीने हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मेवात? सब बढ़िया? कहाँ चल रहा, मौसम वौसम कैसा? तो यार, सबसे पहले भाई अजरुद्दीन जो कि हिंदू सू कन्वर्टेड हो इस्लाम के अंदर मुसलमान हो भाई, आप लोग सलूट है। और आपको जो मैंने बयान सुनो, ये कमाल है यार। ये तो मैंने मुख्तसर आप लोग एक झलकी दी है, बाकी जो वीडियो का लिंक है, क्योंकि मेवात दस्तक जो चैनल है, कोई प्रिंस भाइयों में ना पता हो मे हुए या मेवात सुबाहर को बंद हो, तो या क्या चैनल मैंने वीडियो देखी है, वहाँ मैं पूरी वीडियो तो मैं ही शेयर ना कर रहा हूँ। वहाँ को जो पूरा लिंक, वहाँ को वीडियो का लिंक को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी हो, आप जाओ हूँ जाके वह पूरी वीडियो देखो यार, कमाल हो गो यार माशाल्लाह। और न्यू मुस्लिम्स की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन यार अजरुद्दीन भाई सलूट है यार, दोलू कमाल कर दियो माशाल्लाह। कि यार इतनो ईमानी जज्बो और बाकी जो बात और सहाबा की कुर्बानी की बात, और अभी वह मुसलमान हुए 3-4 महीना हुए हैं यार, इतनो ईमानी जज्बो तो हम मुसलमानन में ना आए जितना ईमानी जज्बो वह बंदा के अंदर है। पुल सलाम तो जाके कह रहे हो कि जी चलो तुम वो मार दो, तुमने मैं मार ना हो ना तो वो मार दो, फिर बोलते जन्नत मिल जाएगी। मान कि तोलू भाई जन्नत कैसे मिल जाएगी? मान कि ऐसे ना मिले, बड़ी कुर्बानी इनसे मिले, जैसे सहाबा ने कुर्बानी करी ऐसे ही कुर्बानी से मिले जन्नत। और वाह को बड़ो ईमान अफरोज़ बयान है, ऊ तो वाह को जो बयान है ऊ वाह की ज़ुबानी ही जचेगो, और वाह का जो जज्बात हैं और जो वाह का अंदर का कहाँ के वहाँ वे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, और जो ज़ाहरी बात है जिस कुर्बानी से मुसलमान हुए वह तो वाह का मुँह ही आप सुनोगा तो मज़ा आएगा। तो आप नीचे वीडियो को जो लिंक मैंने दे रहा को आप जाके देखो। मैंने जो बात करनी है, मैंने जो वीडियो बनाई है, मैं कई मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ कि भाई पहली बात तो ये कि हम ऐसा रोल मॉडल बना, क्योंकि जो मेवात हमारी हिंदुस्तान की है, तो एक इंडिया मुल्क है और वहाँ में ज़्यादा अक्सरियत हिंदुओं की है, तो मुसलमान एक ऐसा रोल मॉडल बन के अपनी ज़िंदगी गुजारा कि लोग तुम्हारी ज़िंदगी ये देख के मुसलमान हों। क्योंकि गैर मुस्लिम ऊ कहवा कि जी तुम्हारो किताब तुम्हारी किताब सही, तुम्हारो कुरान सही, तुम्हारी बात ठीक, लेकिन जो तुम्हारा अमल है ना भाई, अगर ये इस्लाम है तो फिर हम ऐसा इस्लाम है कबूल ना करा अलैहिज़ुबिल्लाह। तो भाई हम लोग ख़ुद रुकावट बन रहा हाँ गैर मुस्लिमन के मारे के वो इस्लाम में दाखिल होवा, तो ख़ुद हम अपनी ज़िंदगी ऐसी बनावा कि लोग हमारा मामलात, कारोबारी मामलात होवा, घरेलू मामलात होवा, मुआशरत हो, अखलाक, हमारी हर हर चीज़ देख के वो लोग इस्लाम की तरफ खींचा चलावा। सहाबा के दौर के अंदर कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, आजकल तो दो दो तीन तीन घंटा के बयान हो, वहाँ जुमा को बयान हो रहा है, तबलीग में बहुत सारा बयान हो, वहाँ निज़ामुद्दीन चला जाओ हूँ नित तलमा बयान हो, वहाँ अमल वो हमारे मारे हों वहाँ, लेकिन हम टस मस ना हों। और सहाबा के दौर में कहा हो, सहाबा के दौर में कहे ना कि भाई कुरान कहा, तो सहाबी की तरफ इशारा कर रहा कि कुरान यमशी है, तो कुरान यमशी सहाबी की तरफ इशारा करो कि भाई ई कुरान जा रो है, मतलब हर बंदो साहबा के जो जो लोग हावे वो चलता फिरता कुरान है, चलते फिरतो इस्लाम की दावत ही। एक बात, दूसरी बात ये है कि या मैंने अजरुद्दीन भाई जो कि पहले अजय कुमार हो और अब अजरुद्दीन बन गो माशाल्लाह, वाने इस्लाम कबूल करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाक़ जैसा जज्बात हमलू भी देवे और वाक़ जैसा ईमानी जज्बो हमलू भी देवे, तो भाई ऐसा जो लोग हाँ उनकी तम मदद करो। ज़ाहरी सी बात है जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होवे है, वाकई हमारे सबन से बड़ो जो मसलो आवे वो आवे है फाइनेंशियल मसलो, कि ज़ाहिर सी बात है वहाँ का घर बार जो वहाँ का घर वाला रहे वहाँ वह निकाल दें, वहाँ वहाँ को कारोबार सो निकाल दें, वहाँ हर चीज़ वो फारक कर दें वहाँ, तो ऐसा लोगन की यार खूब मदद करो यार। माशाल्लाह मेवात लो अल्लाह ने भुत्तेरो माल दे रखो, भुत्ते जी तुम्हारी गाड़ी चल रही हैं ठीक है, ऐसा लोगों ने देखो बाकायदा अगर इदारों भी एक बनाए जावे हूँ का उलमा बनावा कि जो ऐसा न्यू मुस्लिम हाँ उनके सपोर्ट के मारे उन लोग दीन भी सिखाओ, उन लोग सपोर्ट भी करो, और फिर जाहिर है फिर उन लोग रिश्ता भी दो, उनका रिश्ता भी करवाओ। क्यों? क्योंकि एक बाहर को बंदो चलो ठीक है हम मेवात इन से बाहर ना करें, लेकिन जब हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो फिर उनके मारे और बहुत सारा हिंदुस्तान मुसलमान हाँ उनकी शादी ब्याह भी है, उनका कारोबारी मामला भी हाँ, उनका दीनी दुनिया भी हर तरह का मामला आता, उनके बारे हम खुद इकट्ठा हों वहाँ सोच विचार करें और उनकी सपोर्ट करें जितनी हो सके। अगर हर घर भी थोड़ी थोड़ी सी भी सपोर्ट कर देवे तो एक बंदा है, दो चार घर मिलके 10 घर मिलके एक बंदा है,
शुरू में ही तंगी रहे, बाद में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत निज़ाम चालू कर देवे। ठीक है, अभी हो रही है मगरिब की अजान, तो तुम यह वीडियो शेयर वेयर कर दियो, चैनल जिसने लाइक ना करो चाहे सब्सक्राइब ना करो चाहे सब्सक्राइब कर दे, अपना दोस्त अहबाब में अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में या वीडियो शेयर कर दो। अपने ख्याल रखियो, आपको अपने यूसुफ मेवाती ग्वालता को दहंगल बड़ी खोईरी काड़ो पहाड़। एक बार फिर सु अजरुद्दीन भाई लू सलूट है और सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजरुद्दीन भाई आपकी हिफाजत करे, आप लुद्दीन पर इस्तकामत देवे। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।